नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। मैं डॉक्टर वैशाख जाजोदिया। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, लाइपोमा या चर्बी की गांठ, आप इसको बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ट्यूमर भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, 100 में से 2 लोगों को ये प्रॉब्लम देखा जाता है। हालांकि प्रॉब्लम उतना खतरनाक नहीं है, पर ये काफी लोग इसको इससे राहत पाना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई भी ट्यूमर आपकी बॉडी में हो, आप नहीं चाहेंगे कि वो रहे, आप चाहेंगे उससे आपको छुटकारा मिले। बिल्कुल। तो दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे कि ये होता क्या है, और बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में, आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे ट्यूमर से, और उसके बाद हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लाइपोमा के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइपोमा क्या होता है। जैसा डॉक्टर ने बताया, चर्बी की गांठ, यानी कोई भी ऐसा ट्यूमर जिसके अंदर की चर्बी भरी होती है, फैट भरा होता है, उसको लाइपोमा बोला जाता है। बिल्कुल। तो लाइपोमा की कुछ पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये लाइपोमा है या कुछ और है। बिल्कुल। सबसे पहले तो लाइपोमा जो ट्यूमर होता है वो सॉफ्ट होता है, यानी नर्म होता है। जब भी आप उसको प्रेस करेंगे तो वो सॉफ्ट आपको फीलिंग आएगी। अगर हार्ड है तो वो लाइपोमा नहीं। बिल्कुल। दूसरा है कि ये जो ट्यूमर होता है वो मूवेबल होता है, यानी जब आप उसको 2 उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, वो फिसल जाएगा, इधर उधर फिसलता रहेगा, यानी वो मूवेबल होता है। तो ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है लाइपोमा की। बिल्कुल। बिकॉज लाइपोमा जो ट्यूमर होता है वो एक सेल के अंदर होता है। बिल्कुल। तो आप जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप उसको पकड़ नहीं पाते, वो इधर उधर मूव हो जाता है। और साथ ही साथ एक मेजर जो इसका सिम्टम है वो है कि ये पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। और दोस्तों, कभी कभार इसमें दर्द हो भी सकता है अगर इस लाइपोमा में कोई नर्व फंस जाए, नर्व इसके बीच में आ जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तब इसमें पेन आ सकता है। दूसरी बात है, अगर ये इसका साइज बड़ा हो जाए, बड़ा होते होते अगर ये किसी नर्व को दबाने लग जाए, पिंच करने लग जाए, तब इसमें पेन देखा जाता है। तो ये 2 कंडीशन है जब लाइपोमा पेनफुल हो सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है। बिल्कुल। मोस्टली ये पेनलेस ही होता है। बिल्कुल। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये अच्छा, कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे लाइपोमा ज्यादा करके देखा जाता है, जैसे बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे आपके शोल्डर हो गए, हैंड्स हो गए, नेक है, बैक है, या एब्डोमेन है, ये जो एरियाज है यहाँ पे लाइपोमा थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट में देखा जाता है। और ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, और ये स्किन के जस्ट नीचे रहता है। बिल्कुल। तो स्किन का जो लेयर है उसके जस्ट नीचे ये गांठ सी रहती है। इसके साइज भी अलग अलग होते हैं, छोटा साइज, छोटे से लेकर ये काफी बड़े साइज तक भी ये होता है। कई बार ये स्किन से लटकता हुआ भी दिखता है अगर ये इसका साइज बड़ा है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरली डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए ही बोलते हैं। बिल्कुल। जो कि आप, हम समझ सकते हैं कि सर्जरी हर किसी के लिए करवाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग थोड़ा सा घबराहट भी होता है सर्जरी में जाने के लिए। बिल्कुल। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही कारगर सॉल्यूशन है। आप होम्योपैथिक दवाइयां लेके इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इनकेस आपका होम्योपैथिक दवाई से ठीक नहीं होता है, तब आप सर्जरी के लिए जाइए। देखिए, दर्द तो हो नहीं रहा है ना, तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आप 4 महीना 6 महीना होम्योपैथिक दवाई आराम से खाइए, क्योंकि आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि ये फट जाएगा या कुछ हो जाएगा, वैसी कोई डर वाली बात नहीं है। तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर लाइपोमा या चर्बी की गांठ की होम्योपैथिक दवा के ऊपर आते हैं। सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एलेन कंपनी की A84 कॉम्बिनेशन, अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर लाइपोमा। अच्छा, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ मेडिसिन मिक्स करके बनाई गई है, तो बहुत ही संक्षिप्त में हम वो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला है बराइटा कार्ब कैल्केरिया आर्स। बराइटा कार्ब जो दोस्तों मेडिसिन है, ये जो लाइपोमा है उसकी टॉप ग्रेड की मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी में, टॉप मेडिसिन फॉर लाइपोमा है ये, नो डाउट। थर्ड है कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया ग्रुप की काफी मेडिसिन है इसमें, कैल्केरिया आर्स, कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर जो है ये किसी भी तरह की गांठ में यूज होती है, अच्छा काम करती है। लैपिस एल्बस और रेडियम ब्रोमेटम, स्पाइजेलिया, थूजा और
ये जो है ये मेडिसिन इसमें है, A84 नंबर इसका नाम है और ये एलन कंपनी की मेडिसिन है। इसको लेना कैसे है? देखिए इसको लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल, ये आपको 30 ml के पैकिंग में मिलती है। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, पहले 3 दिन यानी फर्स्ट 3 डेज जब आप ये मेडिसिन लेना चालू करेंगे तो पहला 3 दिन आपको 50 बूंद दवाई दिन में 4 बार लेनी है। 50 बूंद दवाई आधा कप पानी में आप मिला लीजिए, 50 ड्रॉप्स, और दिन में 4 बार आप इसको खाने से आधा घंटा पहले लेना है। बिल्कुल, दिन में 4 बार यानी लगभग हर 4 से 5 घंटे में। बिल्कुल, तो ये आपको करना है पहले 3 दिन तक। बिल्कुल, पहला 3 दिन जब आप 4-4 बार इसको लेंगे 50 ड्रॉप्स करके, तो आपका एक फाइल जो है 30 ml की वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट जब तीसरे 3 दिन के बाद जब आप 4th दिन से मेडिसिन लेना चालू करेंगे तो आपको इसका अमाउंट जो है आधा कर देना है, यानी 25 ड्रॉप्स 25 ड्रॉप दवाई आपको आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेनी है। बिल्कुल, और इसको कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि आपको गांठ से राहत नहीं मिल जाती। बिल्कुल, नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों है ट्यूमरिन ड्रॉप्स, और ये भार्गवा कंपनी की दवाई है। ये भी अच्छी मेडिसिन है लाइपोमा के लिए। इसके कॉम्बिनेशन, इसमें जो मेडिसिन है ये भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको है कोनियम मैक्युलेटम, आर्सेनिक आयोड है, कार्बो एनिमलिस, बिल्कुल, इसके अलावा गैलियम है और हाइड्रेस्टिस, और साथ ही साथ क्लेमेटिस इरेक्टा भी है इसमें। ये सारी मेडिसिंस ट्यूमर के लिए ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ये जो कॉम्बिनेशन है ट्यूमरिन, ये लाइपोमा में अच्छा रिजल्ट इसका देखा जाता है। तो ये मेडिसिन आपको 10 से 15 बूंद करके दिन में 3 बार आपको लेना है। आप इसको खाने के बाद ले सकते हैं, क्योंकि खाने से पहले आपको एलन कंपनी की A84 लेनी है, तो खाने के आधा घंटा बाद आप इसको लीजिए, 15 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। और इसके अलावा तीसरी और बहुत इम्पोर्टेंट दवाई जो आपको रेगुलर लेनी है उसका नाम है थूजा। तो वही दवाई है थूजा 1 M potency यानी 1000 power में। ये दवाई आपको कैसे लेनी है, इसकी 2 बूंदें आपको सुबह सुबह खाली पेट में लेनी है 7 दिन, 1 week लेना है, फिर आपको 1 week के लिए बंद कर देना है, फिर आपको 1 week लेना है, ऐसे एवरी ऑल्टरनेट वीक, यानी 7 दिन लेना है, फिर 7 दिन बंद रखना है, फिर 7 दिन लेना है। ये तरीका, ये कंटिन्यू आपको इस तरह से लेते रहना है जब तक कि आपको लाइपोमा से पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल जाती। बिल्कुल, तो दोस्तों 3 मेडिसिन हमने बताई है और भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, पर ये कॉमन मेडिसिन है, अच्छा रिजल्ट हमको मिला है इसके यूज से। और अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करके मेडिसिन लेना चाहते हैं या अगर आप हमारे यहाँ से मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, बिकॉज कई जगह मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती, तो हम कुरियर भी करवा देते हैं। तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप इनसे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, तब तक के लिए थैंक यू।